सहरसा जिला अंतर्गत सोनबरसा थाना क्षेत्र के शाहपुर बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम रूम को चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़कर राशि निकालने की भरपूर प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त की रात्रि में चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर राशि निकालने का प्रयास किया। जैसे ही कर रहे थे कि लोगों का आवाजाही सुनकर चोर धीरे से फरार हो गए। लोगों ने जब देखा कि एटीएम का रूम खुला हुआ है और कोई उसके अंदर नहीं है, तो झांक कर देखने से एटीएम मशीन यत्र तत्र कटा फटा हुआ अवस्था में था। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने सोनबरसा राज थाना पुलिस को सूचना दी। सोनबरसा राज पुलिस घटना की सूचना पाते ही घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने लगी। सहरसा सोनबरसा से देवेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय थाना क्षेत्र के काशनगर ओपी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान बिन टोली चौक के निकट सोमवार संध्या गश्ती के दौरान बिन टोली निवासी मृत्युंजय कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार बिन टोली चौक पर शराब पीकर हंगामा कर रहा था। इस समय काशनगर ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। काशनगर ओपी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार को न्यायालय भेज दिया है। सहरसा सोनबरसा से देवेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बोलिए ना। मृत्युंजय कुमार। पिताजी का क्या नाम? जयंत। जयंत। घर कहाँ है? बिन टोली। क्यों पकड़ा गया आपको? दारू पी हुए थे। कब? शाम में। कब पकड़ाया आप? सात में। अच्छा, 8 बजे, 8:30 बजे रात में। हेलो, दारू बंदी है फिर भी पीते हैं आप लोग? और वहाँ पर हंगामा कर रहे थे क्या? नहीं। तो क्या कर रहे थे? सिर्फ बच्चे को दवाई के लिए गए थे। अच्छा, कहाँ पे? पंकजी में। दवाई के लिए गए तो दारू पी लिए है ना? नहीं सर, दवाई के लिए। हाँ, सीतामढ़ी के कुख्यात अपराधी विकास झा उर्फ कालिया के भागलपुर मायागंज अस्पताल से भागे जाने के मामले में हवलदार महेश पासवान, होमगार्ड सियाराम ठाकुर, दीनानाथ सिंह और जेल सिपाही रंजय कुमार मंडल को बरारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त आरोपियों पर बरारी इंचार्ज सुनील कुमार झा के बयान पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आयुष झा सहित भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए 4 सुरक्षा कर्मी को जेल भेजा गया। मामले में बरारी थाना में दर्ज भ्रष्टाचार के केस के अनुसंधान का जिम्मा सिटी DSP राजवंश सिंह को सौंपा गया है। इधर घटना के बाद कोर्ट, जेल कोर्ट, हाजत और कैदी वार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी आरोपितों को जेल भेजे जाने से पूर्व सभी आरोपियों का मेडिकल जांच कराया गया। भागलपुर से मोहम्मद कामरान आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और बांदा जिले में स्थित 3 बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इन नदियों का जलस्तर हर घंटे 5 से 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से दारागंज, फाफामऊ, सोनौती, बद्रा आदि निचले इलाकों में बसे गाँव के घरों में पानी घुस गया है। इससे वहाँ के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के किनारे बसे गाँव के लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। दारागंज में भी पानी बढ़ने से कई लोग नाव में ही घर बनाकर रह रहे हैं। इस बारे में पूछने पर लोगों ने बताया कि हर घंटे पानी का स्तर बढ़ने से उनमें भय बना हुआ है। खासकर कल रात को बिना किसी सूचना के पानी छोड़े जाने की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रयागराज से नन्हे सिंह की रिपोर्ट।